अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं खुद का या फिर अपने डिपेंडेंट का और आप इनकम टैक्स में डिडक्शन लेते हैं सेक्शन 80DD में या फिर सेक्शन 80U में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो ITR नोटिफाई किया गया है, उस ITR में मैंने यहाँ पे ओपन किया है सेक्शन 80DD, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सवाल यह आता है कि सेक्शन 80DD होता किस लिए है, तो ये होता है बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं डिपेंडेंट का, ठीक है, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। अभी अब आपको डिटेल क्या फिल करना पड़ेगा, पहले क्या करना होता था, पहले 80DD आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है और आप ITR फाइल कर सकते थे। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन है, स्पाउस है, सन है, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फिर मेंबर ऑफ HUF, ये आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली। इसके बाद उस डिपेंडेंट का पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा, उस डिपेंडेंट का आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा फॉर्म 10IA और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, और आपको डेट ऑफ फाइलिंग भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपको UDID भी दिख रहा है नंबर डालने के लिए, बट ये अवेलेबल है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालने की जरूरत है। मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन तो मैंडेटरी है, टाइप ऑफ डिपेंडेंट, पैन ऑफ डिपेंडेंट, आधार, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IA एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि चलो पैन पैन नंबर आधार नंबर तो हम दे देंगे, फॉर्म 10IA कैसे फाइल करना है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे फाइल करना है, ठीक है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद आप अमाउंट डाल के बेसिकली यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अभी सवाल आता है सेक्शन 80U का, अभी सेक्शन 80U का डिडक्शन कौन लेता है, तो वो पर्सन जो बेसिकली खुद के डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन लेता है, इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप फाइल कर रहे हैं और आप खुद के डिसेबिलिटी के लिए अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो बेसिकली आपको 80U में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10IA और उसका एक्नॉलेजमेंट आपको डेट और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि फॉर्म 10IA फाइल कहाँ पे करना है, ये बेसिकली ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे आता है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सेकेंड टाइम में आएगा पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशन इनकम, और यहाँ पे आएगा 10IA फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U आपको फॉर्म 10IA फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप फाइल कर सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि फॉर्म 10IA कैसे फाइल करते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।